जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तोते हे हे जगन्नाथ आन दर्शन न लोड़े नायन एका तुम्भ देखा बिना जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तोते। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटी असी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सव्य सव्य भव्य भव्य प्रलव्य प्रलव्य साक्षात मनमथ मनमथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल अकृतकर्ता अमृत ममता अदृष्ट द्रष्टा अभंग मानस गोचर भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्ररु जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे सीधा प्रसारण द्वारा आम प्रभुंकर दर्शन करुचे। संध्या दर्शन, संध्या दर्शन कौन ना आमर शरीर रे सूर्य नाड़ी एवं चंद्र नाड़ी ये देखिबे दिन बेला नाकर गोटे पटु निश्वास जीव एवं रात्रि रे आ गोटे पटु निश्वास जीव। ये संध्या समय रे काहेकि दर्शन देव आराधना ईश्वरंकर उपासना ये होची संध्या समयटे होची प्रकृष्ट समय देवतांकु प्रसन्न करिबा पाई आम शरीर जो समय रे उपयुक्त थाए से समय होची संध्या समय। प्रातः संध्या, मध्यान संध्या एवं सायं संध्या ये तीनि काल रे संध्या को मिसेले त्रिसंध्या बोली कहा जाए। ए त्रिकाल संध्या रे सम्यक ध्यान इति संध्या ईश्वरंकर ध्यान करिबा चिंतन करिबा ईश्वरंकु स्तुति करिबा एवं ईश्वरंकु प्रसन्न करिबा निमन्ते ये संध्या समय रे आमे जहा किछि करिबा ईश्वर प्रसन्न होइथांति एवं से पूजा को ग्रहण करिथांति संध्या समय रे। तेणु ये संध्या समय रे कौन हुए ना सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी किंतु ये देखिबे ये संध्या समय रे आपणंकर नासिका पुटारु बाम पटु दक्षिण पटु ये उभय पुटारु समभाव रे निश्वास प्रश्वास आतजात होता है। सेति निमन्ते संध्या समय टे होची एक प्रकृष्ट समय एवं ये संध्या समय रे आउ कौन होता है ना संध्या समय रे देवता मानंकर देवालय रे आळती होता है एवं से आळती दर्शन रे अनेक भक्त माने आळती को दर्शन करी तंकर मनस्कामना पूर्ण करी थांती प्रभुंकु तंको गुहारी जणई थांती किंतु ये आळती दर्शन मध्य ग्रह पीड़ा रु आपण मुक्ति पाई परिवे। आळती दर्शन समय रे किपरि ग्रह पीड़ा रु मुक्ति मिलिबो किमिति ग्रह पीड़ा रु मुक्ति पाई परिवा या आळती दर्शन आज तो शनिवार एवं शनि होउछंती ग्रह मानंक भितर न्यायर ग्रह शनि होउछंती न्यायर ग्रह कर्म फल को देखिकरि शनि फल देइथांती न्याय फल देइथांती केही केही कोमती शनि पड़गले भारी खराब किंतु मन रखंतु कौनसी ग्रह केतेबेले संपूर्ण खराब फल दियंती ना जेतिकि भल फल दियंती सेतिकि खराब फल मध्य दियंती आम प्रारब्ध अनुसार आमर तंकर स्थिति अनुसार से फल प्रदान करिथांती किंतु सब फल देलावाला होउछंती जगन्नाथ आउ जी जगन्नाथ चरण रे अछि जगन्नाथ शरण रे अछि तार को ग्रह कौन करिबे आहा नील चक्र उपरे पतित पावन बाना ये बानार नाम होउछि पतित पावन जेते मंदिर रहिछि एवं से मंदिर उपरे ध्वजा रहिछंती ब्रह्म ध्वजा रहिछंती किंतु महाप्रभुंकर ये क्षेत्र रे देखिबे देउळ उपरे जो बाना उड़ुछंती तार नाम होउछंती पतित पावन बाना। पतित पावन बाना काहेकि पुणी बड़ बाना महाप्रभुंकर बानार उच्चता आकार जेतिकि आउ कौनसी तीर्थरे धामरे पतकार ध्वजार आकार आकृति आपण सेतिकि देखिबाकु पाइबे ना एवं ये तो वर्तमान आकार को आकृति के कमेई दिया जाइछि नीलचक्र उपरे जो बाना देखुछंती ये बाना
उच्चता आहुरी अधिक थला जा मध्य जना पड़े आचार्य मानंकर साधु संत मानंकर लेखारु जना जाए जे निश्चित भाव रे ये बानार उच्चता एते थला जे उत्तर द्वार रे थिबा पादुक कुंड रे जाईकिरी पडुथला तेणु एते आकार थला ये नीलचक्रंकर बाना इति पई गोस्वामी तुलसीदास जेते बेले आसिले बाना को देखिकिरी कहले जासु पतित पावन बड़ बाना गावही कवि श्रुति संत पुराना। ये प्रभुंकर पतित पावन बड़ बाना तेणु एठि प्रभुंकर जो बाना उड़ुछंती ये बानार नाम होउछंती पतित पावन बड़ बाना बोली कहिछंती माने जेतेबेले गोस्वामी तुलसीदास महाराज आसीथिले ये क्षेत्र को आउ ये क्षेत्र को आसिकरि जेतेबेले पहुंचि जाइछंती से जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करी रामचरितमानस ग्रंथ रे ब्रह्म निरूपण समय रे प्रभु का विषय रे प्रभु का संपर्क रे लिखिछंती एवं रामचरितमानस शेषर मध्य देखंतु प्रभु को विषय लिखिछंती जासु पति तपा वन बड़ बाना तेणु से प्रभुंर बाना हूँ पतित पावन बाना रूप होती पतित पावन रूप पतित को पावन करुंची जी आसुची सी कौच प्रभु मत उद्धार कर ये उद्धार करने प्रभु प्रतीक्षा कर समस्त उद्धार भारर दायित्व निज मस्तक प्रभु नहीं तेणु प्रभु आपण को जी भजे जी आपणकर ही जाए आपण तार समस्त दुख शोक को शोक रु पाप रु मुक्त कर आपणकर चरण से रखते तो ये संध्या समय रे प्रभु को आम ध्यान करवा सम्यक ध्यान करवा प्रभु विषय किसी श्रवण करवा एवं प्रभु दर्शन करवा ये दर्शन रे मध्य ग्रह पीड़ा मुक्ति ही था कारण आम देखा आखिरे दर्शन करवा द्वारा आमर शरीर जो पाप गुड़िक अच्छा नश्यंति सकल पापा से पाप गुड़िक सब नष्ट हो जाए कहीं नष्ट हो जाए ना प्रभु ये समस्त पाप को उद्धार करने प्रभु दायित्व नहीं सत्य प्रभु कहते सर्वधर्मान परित्यज्य सब धर्म को केवल तू छाड़ी मोरी शरण को पलै आनंद बजार दृश्य आनंद बजार रे यार नाम आनंद बजार कहीं ये आनंदर पसरा भक्त टी जिते जाए जो आप हाथ पतईदे महाप्रसाद आपण को कहीं मना करे ना हाथ में आपड़ आणिक महाप्रसाद भक्त टी ये आनंदर सहकार प्राप्त होता है पाई थाए ये दिव्य क्षेत्र परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाप्रभुंर ये संध्या दर्शन चली संध्या समय भक्त मैंने दर्शन करुछंती प्रभु को एवं संध्या समय दर्शन करी निश्चित भाव रे निजर संध्या को कृतार्थ करुछंती भगवान एठी विराजमान करिछंती एवं सदा जगत स्वामी बलदेवेन संयुत हो भद्रया सहित श्रीमान जनान नंदयति प्रभु एठी प्रभु स्नान मंडप देखंतु एठी भी भक्त मान एकत्र हिकरी अछंती स्नान मंडप उपरे भक्त टी जो पहुँची जाए नीलचक्र दृश्यमान हुए बड़दंड देखा जाए आनंद बजार महाप्रसादर सुगंध तार नासिका पुटार प्रवेश करे आघ्राण करे महाप्रसादर सुगंध को तेणु आघ्राण अर्धभोजनम बोली कह जाए तेणु से धन्य ही जाए से स्थान महाप्रभुंकर प्रत्येक कथा कल्याणप्रद से प्रभु इटि कौन कर ना जग सब बेले जगन्नाथ बलदेव सहित संयुक्त होकर भद्रा सहित रही प्रभु इटि जनमान को आनंदित करीमान जनानंद यति प्रभु आहा कि रूप कि मुख देखु बामे श्री जगदीशस्य कोटि सूर्य सम प्रभम चक्रम सुदर्शनम भाति भक्त वृंद मनोहरम महाप्रभु को बाम पार्श्वरे किए रही एठी ना महाप्रभु को बाम पार्श्वरे कोटि सूर्य समप्रभ भक्त वृंद मनोहर सुदर्शन चक्र सुदर्शन महाराज शोभा पाउछंती आहा प्रभु को बाम पटे रही एवं देउलर चूड़ा देश रही सुदर्शन होउछंती कोटि सूर्य समप्रभ आउ प्रभुंकर एठी जे दर्शन करिदिए ना आखि थड़ुटे पड़गले चका आखि उपरे
महाप्रभुंकर कला श्रीमुख को आखि थरुटिए देखी दिए जेते बेले तार मन स्थिर हो जाए प्रभुंक चरण आउ प्रभु को देखी जार मन स्थिर होनी ताले से कौन करिब ये संसार तेणु महाप्रभु को देखंतु कि भूषण आभूषण प्रभु पिंधिचंति माल चूड़ अलंकार आज शनिवार कला वस्त्र तेणु यथा वस्त्राणि देवे सपरि परिधत्ते दिने दिने भूषणानि तथा भद्रा बल देवो पिबैद्यो जगन्नाथ प्रतिदिन जेपरी वस्त्र पिंधती और भूषण पिंधती हे द्विज सेपरी भद्रा और बलदेव मध्य पिंधती महाप्रभु सुंदर लीला आउ नीलाचल गुहा मध्य जगन्नाथं रूप जेपरी महासर्पाकृति बलराम रूप सदा सेपरी कारण रूपम यथा जगर्भर्तुर नीलशैल गुहांतरे तथा रामस्य विप्रेन्द्र महासर्पाकृति सदा आहा संध्या समय दीप जलुची प्रदीप प्रज्वलित होती से दीपर शिखार प्रभु को दर्शन कले से दीप शिखार प्रभु को दर्शन कले जन्म जन्मांतरकृत पाप नष्ट होता अग्नि जेपरी देखती ना भल मंद कौन जहाँ आप निरे पकईदे सब पड़ी पाऊस ठीक से हीपरी प्रभु पाख को जिते बड़े पापी आसुना कहीं थरुटी केवल शरण को पलै आस महाप्रभुंर आउ कह हे शरणागत वत्सल हे दीनबंधु मुणकर प्रभु मुझे हुए भल हुए मंद हुए मुहा भी हुए हे महाप्रभु मत तो आप सृष्टि कर प्रभु इतनी कह प्रभु शरण को जी पलाए तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलू दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे प्रभु आपण होती अगोचर आ समस्त प्राणपति समस्त प्राणर आधार प्राणस्य प्राण बोली उपनिषद कहते प्रभु देखिले कि सुंदर भाव रे पतित पावन बाना पतित पावन नेत बोली आम कही था ध्वजा बोली कही था ब्रह्मध्वजा ब्रह्मदंड उपरे बंधा होती से फरफर हो उड़ुंट आउ श्रीमंदिर शोभा को बर्धन करुंट बाना मंदिर टी जिते सुंदर ही था मंदिर जिते अर्थ विनिमय से मंदिर टी निर्माण ही था यदि मंदिर उपरे नेत नाही मंदिर उपरे ध्वजा नाही पतका नाही मंदिर को सुंदर पतका थिले ध्वजा थिले तेणु मंदिर सौंदर्य को मंदिर सुंदरता को ध्वजा ही आहुरी वृद्धि करी था सुंदर भाव जय जगन्नाथ टीवी रे दर्शन करुचे संध्या समय रे प्रभुंकर दिव्य दर्शन जगन्नाथ महाप्रभु होती एपरी देवता एपरी कृपाणु तक पाखक जिया आसी प्रभु ताक शरण दे अबाणी पादोहम अचिंत्य शक्ति पश्यामि चक्षुः शृणोम्य कर्णः अपाणी पादोहम अचिंत्य शक्ति ये जगन्नाथ महाप्रभु विश्व ब्रह्मांडर कर्ता एवं समस्तंकर आश्रय स्थल होती महाप्रभु एवं से रहस्यमय सर्वशक्तिमान जगन्मय अनादि अनंत होती प्रभु आउ कौन ना सर्वभूतर आत्मा सब भूत सर्वभूतर आत्मा स्वरूप होती महाप्रभु तेणु सर्वप्राणी हितकारी बोली प्रतिपादित प्रभु आभली ठाकुर एक किंभूत किमाकार रूप से कहीं विद्यमान प्रभु को देखीदे साधारण मनुष्य पक्ष में बोधगम्य होगा कष्टकर प्रभुंर ये तत्व तेणु परमेश्वर स्वयं विश्वकर्मा रूप से निजर मूर्ति निजे गठन कर विषय पुराण सूचना मिले प्रभु को कहीं गढ़ी ना प्रभुंर ये रूप को से सामान्य काष्ठ प्रतिमा नुह नर देहे कही तंकु निर्माण करिना ही से प्रभु निजक निजे करिण निर्माण जगत को करू अछंति आनंद प्रदान से प्रभु निजक निजे निर्माण करी ये जगत को आनंद प्रदान करुछंति तेणु शास्त्र कौन कहिले ता शास्त्र कहउछंति जनानंदयति प्रभु जनमानन को आनंद प्रदान करुछंति तंकर नाम होउछंति आनंद कंद
आउ संध्या हीगले भक्त माने पळि आसी थांती अरुणस्तंभ पाख को अरुणस्तंभ पाखरे अरुणस्तंभ सन्निकटरे टिके ठिया होई जामती किछि समय चाही दे चाही रही जामती कला सामंत पतित पावनंग मुह को चाहिकि रही जामती भक्त अरुणस्तंभ को स्पर्श करंती काहिकि अरुणस्तंभ को स्पर्श करितांती अरुणस्तंभ होउछंती ज्योतिष स्तंभ अरुणस्तंभ पाखरु दर्शनर क्रम आरंभ एवं अरुणस्तंभ को स्पर्श करि भक्त प्रवेश करितांती तेणु भक्त माने तंको हृदय रे भक्ति रूपक ज्योति प्रज्वलित करी परम ब्रह्म को दर्शन करिवा पई जाई थाम आरंभ रु गोटिए स्तंभ देखुचंती एवं मंदिर मुख्य मंदिर भितरे मध्य आउ एक स्तंभ रहिचंती गरुड़ स्तंभ गरुड़ स्तंभ कौन ना से होचंती भाव स्तंभ गरुड़ पछरे देख दिशुचि कला श्रीमुख गरुड़ पछरे देख दिशुचि कला श्रीमुख गरुड़ महाराज पश्चात भाग रे दंडायमान होई भक्त माने सुंदर भाव रे दर्शन करिथांती महाप्रभु एवं अरुणस्तंभ पाखरे छिड़ा होकर दर्शन करुछंती पतित पावन नारायण आउ महाप्रभु मुख को देखंतु चाहि रहिछंती सकल भक्त मानंकु उद्धार करिवा पई से रंगा आधार रे मधुर मधुर हस प्रभु झरी पड़ुची तंकर ओठरु तो ये नवग्रहंकर पीड़ारु ये जीव केमती मुक्ति पाइब यदि आमर ग्रह जदि मजबूत अछंती आउ यदि ग्रह रे कोनोसी दोष नाही तबे निश्चित भाव रे जीवन आमर खुशी रे सुख रे कटी थाए किंतु यदि ग्रह रे दोष थाए आम ग्रह माने दुर्बल थांती ग्रह मानंकर स्थिति रे दोष थाए तबे आमको अनेक समस्या भोग करिवाकु हुए एवं जीवन रे आपण देखिबे ई जीव मनुष्य संसार संसरतीति संसार जीवन रे खुशी सेते बेला हमको प्राप्त होई थाए जेते बेला हमर कुंडली रे ग्रह अनुकूल थिबे देखंतु ये ग्रहाधिना जगत सर्वम ग्रह मानंक अधीन रे ये जगत देवता मान मध्ये ग्रह मानंक अधीन रे तनु ये होची सृष्टि रक नियम ये होची सृष्टि रक तनु ये ग्रह पीडारु हमको किपरि मुक्ति मिलिवो आळती दर्शन रे मध्ये आमे ग्रह पीडारु मुक्ति पाई परिबा अनेक उपाय अच्छी प्रतिकार अच्छी ज्योतिर्विद माने कुहंती किंतु से प्रतिकार समस्ते करि पारंती नाही किंतु सरल उपाय कौन ना प्रभुंकर आरती दर्शन रे मध्य ग्रह पीड़ार मुक्ति आउ किछि समय पर तो निश्चित भाव आरती रे दर्शन करिवा पतित पावन नारायणंकर सुंदर भाव रे भक्त माने दर्शन करुछंती एवं सिंह द्वार से स्थानटी देखंतु भीड़ परिपूर्ण एवं सिंह द्वार गुमुट ठारु अरुण स्तंभ से स्थानटी होची 20 फुट से स्थान भितर देखंतु पाद पकेबा पई जागा नाही आज आवाळ वृद्ध वनिता प्रभु को दर्शन पई जाउछंती छोट शिशु कांधरे बसई दउछंती तंकर अभिभावक पिता माता माने आउ चिन्हई दउछंती ये होउछंती घरर मुरबी जगन्नाथ होउछंती घरर मुरबी एई भाव रे आज चिन्हई दउछंती तो किपरी आमे ग्रह पीड़ार मुक्ति पाई पारी कारण जेतेबेले ग्रह पड़ी थांती ग्रह जेतेबेले आमुकु कष्ट दियंती एवं ये नवग्रह ना देखंतु सूर्य किंबा अन्य किसी अन्य कौनसी तारा मानंकर चारिपटे परिक्रमा करुथुबा स्वगोल पिंड मानंकु ग्रह बोली कह जाय था एपटे मध्य तीर्थराज महोदधिंकर आळतीर दर्शन करिवा तीर्थराज होती सर्वदेवमय सर्वतीर्थमय मंगलमय तीर्थराज समुद्र कूल को पलैबे आपण अनुभव करथिबे निश्चित भाव रे
मन भारी थिबो मन दुखरे थिबो समुद्र कोले टिके बसी जीवे किछि समय समुद्र लहड़ी की ज्वार को चाहि किरि रहिबो तीर्थराजंकर दर्शन करिवे देखंतु ये सब बेले पाखरे थांती आज दूर तेणु इच्छामयंकर इच्छा केते बेले समुद्र को किए मापी पारिछि ना किए मापी पारिबो ना भक्तर हृदय भाव को किए मापी पारिछि आज भक्त माने एकत्र होइछन्ति आ समस्त मुखरे ओठरे रहिछि हस महोदधीति रे श्री नील सहीले विराजित दारु ब्रह्म ए पुण्य धाम रे जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे आज समस्ते आनंदर सहकारे हसुछंति महोदधि कुलरे रही कारण आलती दर्शन रे परी महिमा रही आपण आलती दर्शन पाई जीवे तीर्थराज महोदधिंकर प्रभुंकर प्रभु सब दुख को हरण कर दे नै जाय प्रभु होंगे सुखर राशि आनंदर सिंधु आउ तांकर दर्शन तांको आलतीर दर्शन जी करिवो ता पाखरे कोन दुख रहिबो केवल थरुटिए प्रभु को कहंतु हे महाप्रभु भीषण दुखर पड़िछन दुख तो निश्चित भाव भोग करवाक पड़ो कारण अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम या पूर्व जन्मं प्रभवस्य हेतु कर्तुं ललाटे लिखितं विधाता पूर्व जन्मर कर्म फल अनुसार विधाता जहाँ लिखि देइछंति आज्ञा ताको आमको भोग करिबाकु पड़ो ताको केही काटि पारिबे नाही हमर कथा रे कह जाय नी कपाल लिखन के करिबो आन कपाल लिखन को किया आउ काटि पारिबो कपाल लिखन को किए एड़ी दे पारिबो केही एड़ी दे पारिबे नाही जा पूर्व जन्मं प्रभवस्य हेतु कर्तुम ललाटे लिखितं विधात ललाटे कपाल लिखन कपाल जहाँ लिखा अच्छे ताको तो भोगिबाक पड़ो किंतु अधिक दुख को एड़े दी जाए मध्य दिया जाए पार प्रभु दर्शन रे से शक्ति प्राप्त होता तीर्थराज नमस्तुभ्यं नमस्ते सरितांपते तद्दर्शन भवेत पुण्यम तीर्थराजंकर दर्शन रे सकल जीव मानक पुण्य प्राप्त होता जी दर्शन करती तीर्थराज तीर्थराजंकर से क्षेत्र को जीवे केवल तीर्थराज को दर्शन कर प्रणाम करदे हे अच्युत प्रिय तीर्थराज मन रखु समुद्र कूल को जाती तीर्थराज को यही नाम आप संबोधन करेंगे हे अच्युत प्रिय तीर्थराज कारण तीर्थराज होती अच्युत प्रिय तेणु यही नाम तीर्थराज को संबोधन कले तीर्थराज प्रसन्न होता आपटे महाप्रभु सेवक पूजापंडा सामंत महाभाग आसी उपस्थित हेले कारण आउ किछि समयर आउ किछि क्षणर प्रतीक्षा तापर दर्शन करवा आम दिव्य आलती जो आलती दर्शन करवाई सिंहद्वार भिड़ रही समुद्र कूल तीर्थराज महोदधि आलती दर्शन भिड़ रही आज वैदिक विप्र विद्यार्थी विद्वान माने आज थाड़े पात्र क्षीर नीर पुष्प गंध ये सब धरी पहुँचिले तीर्थराज निकट में देख तीर्थराज तीर्थराज जल से स्पर्श हेले अर्पण कले कि प्रथम जाऊ जाऊ आग अर्पण कले जल तीर्थराज गर्भर मिशिगला सर्व पाप विनिर्मुक्त सर्व दुख विवर्जित वृंदार कहब श्रीमान रूप जौवन गर्वित तीर्थराजंकर एपरी महिमा रही समस्त पाप एवं दुख रहित हुए एवं तेजस्वी तथा रूप जौवन संपन्न होता है समुद्र कूल को जीवे तीर्थराज दर्शन रे तीर्थराज समुद्र रे स्नान करने द्वारा पुष्प अर्पण कले कारण से पुष्प रे भक्ति युक्त करी तीर्थराज को अर्पण करुछन आउ टिके पाखुकु गले क्षीर अर्पण करी कारण देखंतु समुद्र रो लहड़ी जितेबाला कूल को आसुचंती सी मध्य धवल वर्ण आीर मध्य धला समुद्र तीर्थराज लहड़ी रे ये धला लहड़ी रे ये धला क्षीर जितेबाला मिसी जाउचंती आज निजर रूप को रंग को आज क्षीर टी हर क्षीर हरई दौर तीर्थराज भितर मिसी जाउची
कारण आहा प्रभुंकर एपटे मध्य देखंतु कर्पूर लागि चालिछि आउ किछि समय आळती आळती किछि समय पर आम आळतीर दर्शन करिबा। बाम नेत्र दक्षिण नेत्र महाप्रभुंकर अधर ये चतुपार्श्वरे कर्पूरर प्रलेप दिया जाय थाय। कर्पूर होची शीतलता प्रदान करिथाय। कर्पूर देवता मानंकर अतीव प्रिय एवं पूजारे कर्पूर नाही से पूजा पूजा नुह। पूजारे निश्चित भाव कर्पूरर परमावश्यक रही एवं देवता मानंकु आकर्षित करिथाय। ये कर्पूरर सुगंध आम सनातन परंपरा रे कर्पूरर व्यवहार ये केउ अनादि काल रु एवं कर्पूर जहाँकि आम पूजा परंपरा रे आम प्रभु को प्रकृति रे उत्पन्न आम से वस्तु दिव्य वस्तु अर्पण करिथाउ जहाँ आमको प्रकृति देइछंती एवं स्वतंत्र भाव रे कर्पूरर वृक्ष मध्य रही कर्पूर गच्छ से कर्पूर गच्छर छाली को सुंदर भाव रे छुटिया छुटिया भाव रे कटा जाई एक विशेष ये निर्मा शैली रे ताको प्रस्तुत करा जाय थाए कर्पूर एवं सही कर्पूर देवतांकर पूजा रे लागी थाए। एठी छोटरु बड़ समस्ते देखिबे आळती प्रतीक्षा करिछन मन भितरे तांकर रहिछि केते बेले आळती हबो से आळती दर्शन करिवु तीर्थराजंकर समुद्र आळती दर्शन प्रणाम करि दउछन्ति कि चाहिकिरि रहिछन्ति चातक परि कि कीर्तन करुछन्ति हातरे करताली मारुछन्ति एवं आउ के मध्य सुंदर भाव रे मुखरे प्रभुंकर नाम उच्चारण मध्य करुछन्ति चतुपार्श्वरु भक्त तीर्थराज महोदधिंकर ये परिवेश समुद्र बेलाभूमि आज भक्तमय एपटे मध्य पूजा अर्चन आरंभ हो गला। काष्ठ निर्मित पीठ से पीठ ऊपर आचार्य बसिकिर तांकर पूजा आरंभ कले कारण से निज शुद्धि हेले तत्पर जाइकिर देवतांकर पूजा करिवे एवं पूजार पूर्वरु से पवित्रीकरण करिवे निजको आग पवित्रीकरण आसन शुद्धि भूत शुद्धि ये सब सरी जिवा पर से देवतांकर पूजा करिवे पूजार स्वतंत्र विधि रही तेणु तीर्थराजंक पाखकु जिवे कौन कहिवे समुद्रंक पाखकु जाइकिर प्राणस्त्वं सर्वभूतानां जो निश्च सरितां पते तीर्थराज नमस्तेस्तु त्राही माम अच्युत प्रिय। हे अच्युत प्रिय आपण होउछंती हे नदीमानंकर स्वामी आपण समस्त प्राणींकर जीवन उत्पादक होउछंती आपण। हे तीर्थराज आपणंकु प्रणाम अच्युत प्रिय मते रक्षा करंतु। ये तीर्थराज स्तोत्रम रे उल्लेख अछि अच्युत प्रिय कहिदेले तीर्थराज प्रसन्न हो जाती एवं करताली रे सहित वैदिक विप्रमाने विद्यार्थी माने सीतांकर स्तुति स्तोत्रादि गान करुछंती। आउ जने आचार्य सी तांकर विभिन्न भंगी शैली रे मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजा करुछंती। आउ एपटे महाप्रभुंकर श्रीमुखरे कर्पूर लागी संपन्न होइछंती। देख कर्पूर लागी पूर्वर मुखमंडलर आभाव शोभा किपरि थिला कालिया शांतंकर कर्पूर लागी परे देखंतु से चका चका आखी की शतपद्म आखी देखिले गो सखी चित्त की बाहुड़े आऊ कर्ण रे कुंडल दिसे झलमल कौस्तुभ दाऊ दाऊ से जे आरत त्राण चालो चालो पशिवा शरण से जे आरत त्राण। सुंदर भाव रे आमे प्रभुंकर आसंतु ये संगीतमय परिवेश रे आळतीर दर्शन करिवा। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।
जय श्री जगन्नाथ। अभूतपूर्व दर्शन महोदयाल तीर्थराज महोदधिंकर आरती राम दर्शन करुचे एवं महाप्रभुंकर दिव्य आरती दर्शन आम कले आरती पर महाप्रभुंकर मुखमंडल को देखते चाह रही से चकाखी जगत को एवं एपटे तीर्थराज आरती दर्शन करी अनेक भक्त आज संध्या समय रे पुण्य फल को लाभ करुंट आचार्य आद पाद कराभ्यां हृदयशिर शिपन दर्शयन पादमूल विधि अनुसार आरती चली आरती समय केत आरती आपड़ देखी देखी ये आरती चली प्रभु नजर पड़गला आखि पड़गला आरती से दर्शन को कितने छाड़क जीवे ना मन रखनी देखिले हटात आरती चली तो आरती की कितने छाड़क जीवे ना आरती सर आपे आरती चली प्रभुंर अनंतकोटि ब्रह्मांडर मालिक प्रभुंर आरती चली आरती देखिकी आम यदि पलैवा यहाँ ठीक नुह आरती टी रही जो जो भी आरती होती आरती देखिकी आरती दर्शन कले आरती देखिले आरती अनेक रहस्य रही आम शास्त्र निश्चित भाव यह सब कल्याणप्रद कारण जीवन रे मनुष्य जीवन केत फटका कहुई क्षण भंगुर केत कौन हम कहीं जाणी ना कि जीवन रे सतसंग साधु संग आम कल्याण ही कर कहगला साधु दर्शन मुकति पसरा तेणु जितेबले आमर आखि यही सब दृश्य को दर्शन करिवो आमर भावना चेतना पवित्र रहिवो शुद्ध रहिवो आउ हृदय शुद्ध हो विवेक जाग्रत हो आउ हृदय जदि शुद्ध रहे ना परमात्मा से हृदय विराजमान सुंदर भाव आमर स्वभाव साधु को प्रिय हो साधु स्वभाव जहाँ हो जाए भवसागर उतरी जाए साधुंकर स्वभाव किपरि जड़े साधु गोटे आंब गछ मूल विश्राम नौले पाने आंब पारापाई ढेला मार आरंभ कले गु पचला आंब सब झड़गला पाने खुशी हो साधु ये सब घटना को मनोजोगपूर्वक देखु किसी चिंतन कलापर लगुले ये समय पथर टीए साधु कपाल माड़ रक्तर स्राव है आरती संपन्न होगा प्रणाम करुंट वर्तमान आरती धरिकी हाथ में आरती दानी को तीर्थराज निकटवर्ती निकटवर्ती स्थान को लेकर जी जो लहड़ी आसी स्पर्श करुंट भूमि एवं साधुंर कपाल जिते बड़े टेकाटी पथर टी बाजिक कपाल फाटी जाते बड़े ढेला पकड़ पाटी आसी साधु को क्षमा प्रार्थना कला साधु अति कोमल कंठरे उत्तर देले अरे पिलामाने तुम्हें गच्छ को ढेला मारुथिलो आउ गच्छ ढेला पत्थर खाउथला ता देहरु डाळ पत्र छिडुथला बदल रे गच्छ तुमको पाचिला आंब देउथला मधुर आंब देउथला जणे माळ खाउथला अन्य को खुशी देउथला यहाँ को हृदय सहकार अनुभव करिछि साधु कहुछन गच्छ ठारु मु जहा सिखिली ता तुमको देवी तुम्हें गच्छ को ढेला मारुथिलो मते मध्य ढेला मारिलो गच्छ ढेला पत्थर खाउथिला मु मध्य ढेला पत्थर खाइली ता देहरु डाळपत्र छुडुथिला मो देहरु रक्त झरिला बदल रे गच्छ तुमको पाचिला आंब देउथिला मु तुमको क्षमा देली गच्छ ठारु जहा सिखिथिली ताकु कार्य रे करि देखैली साधु कहिले पाचिला आंब तुमको आकर्षण करुथिला या गोटे आह्वान थिला तुम्हें से आह्वान को ग्रहण कले ढेला मारी खसाई देल आह्वान जवाब देवा स्वाभाविक कथा किंतु सावधानता अवलंबन कर परिणाम अब साधु कहते ए मो कथा शुण जड़े भल मनीषर प्रथम काम होला सब जिनस को मनोजोगपूर्वक देख बुझे एवं शुणब आज जड़े उत्तम मनीष ठारे आरती करुंखे पहुँचिले तीर्थराज आ आरती जमी आरंभ कर तीर्थराज गोटे लहड़ी जुआर टी आसिक देखूँ किपर भाव कूल को लंघन कर आग को पलि आसे तीर्थराज प्रसन्न ये हूँ प्रसन्नर भाव एवं उत्तम मनीष ठारे के गुण रहा दरकार तीर्थराज आम कौन शिखा साधु आम कौन शिखा
ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷଠାରେ କ୍ଷାନ୍ତି ବା ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସହିବାର ଶକ୍ତି। ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେ ଦୁଃଖକୁ ସହିବା, ବା କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସହିଯିବା। ସହିଲା ବାଲା ଇଏ ସଂସାରରେ ବଡ଼, ଯିଏ କହିଛି ସିଏ କ'ଣ ବଡ଼, ଯିଏ ସହିଛି ସିଏ ବଡ଼। ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ରହେ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସ୍ୱଭାବର ନ ହୋଇ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିବେଦନ ଜଣାଏ। ଆଳତି ଅର୍ପଣ କଲାପରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଳତି ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଳତି, ଆଉ ସେ ଆଳତି ଆମେ ଟିକେ ପାଇବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦୋଷକୁ କେତେବେଳେ କାହାର ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦରୀ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାର ଦୋଷକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ, ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆଳତୀକୁ ପାଇବେ, ହାତରେ ସେ ଆଳତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ଦୋଷ ଯଦି ଆମେ କାହାର ଦେଖିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଜଣେ ସାଧୁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ଖଳ। ସାଧୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, ଖଳ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, ନା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜହ୍ନ ଭିତରେ ଡାଗ ଅଛି ଏଇଟା ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷକୁ ଦେଖିଥାଏ, ସବୁଥିରେ ବାଛିଥାଏ, ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଗଲାନି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏତେ ଶୀତଳ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋକିତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭିତରେ ତାକୁ ଦାଗ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜହ୍ନ ଭିତରେ ଦାଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସାଧୁକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ନା ସାଧୁକୁ ଦେଖାଯାଏ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଦ୍ମ। ସାଧୁର ଦୃଷ୍ଟି ଏଭଳି ଯେ ସେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସାଧୁ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରାହ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଅମୃତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା। ତେଣୁ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ପଦ୍ମ ଦେଖେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ, ଆଉ ଜହ୍ନ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ଭିତରେ ଯିଏ ଦାଗ ଯାହାକୁ ଦେଖାଗଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖଳ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ, ସଂସାରରେ ରହିଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳତୀ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ଇଏ ଏକ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଳତୀ ନେଇସାରିବା ପରେ ମୁଖରେ ହସ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ, ମହୋଦଧିଆ ଆଳତୀ, ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଆଳତୀ। ତେଣୁ କ୍ଷମାପରାୟଣ, ଦୟାବାନ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଦେଖିଲେ ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଦେଖି ଗଛଟି ତା'ର ଧର୍ମ ରଖିପାରିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ମଣିଷଟି ହୋଇ ମୋ କର୍ମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ ଦେଖିଲେ ସିନା କ୍ଷମା କରିବି। ଢେଲା ପକାଇଥିବା ପିଲାଟି ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଆଣିକରି ଖୋଲିଦେଲା, ସାଧୁଙ୍କ କପାଳରୁ ବହୁଥିବା ରକ୍ତକୁ ସେଥିରେ ପୋଛି ସଫା କରିଦେଲା। ସାଧୁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରି କହିଲେ, ମଣିଷଠାରେ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଘଟଣାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥାଏ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଆମେ ମାନେ କରୁଛୁ। ଇଏ ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବମୟ କ୍ଷେତ୍ର, କାହିଁକି ନା ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ।
पाटजोशी महापात्र धरी विभीषण कंकण प्रदान करिसंती पाटजोशी महापात्र आज भी पाटजोशी महापात्र घरे से कंकण पूजा पाउच विभीषण कंकण तेणु ये महाप्रभु ये क्षेत्र ये क्षेत्र में राजाधि राजराजेश्वर भगवान विराजमान कर प्रभु होती क्षेत्र स्वामी अखिला शतकोटी ब्रह्मांडर स्वामी होती महाप्रभु जी आसे सी कहे प्रभु को स्वामी आरती परे परे प्रार्थना कर स्तुति स्तुति स्तोत्रादि गान वेद पाठ गीत गोविंद ये सब पाठ समूह भितर शेषर देखते आरती संपन्न होती प्रणाम करुछन सकल भक्त आज कृतार्थ धन्य आवे महाप्रभुंकर दिव्य दर्शन हम तीर्थराज महोदधि आरती दर्शन आम मैने कले आरती जमती सरी भक्त मैंने जमी आरती पाई प्रत्यावर्तन करमनीय चकाखी देखी आखी जाए लाखी शोभा के पारिवलेखी महिमंडले तेणु ये शोभा को महिमंडल कहीं वर्णना करें ना महाप्रभुंकर आलती परे देखंतु प्रभुंकर रूप रसानंदी राधा सरसव पुरालिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे किए कहे प्रभुंकु पुरुष वेद कहते सहस्र शीर्षा पुरुष हो गीता मध्य कहते पुरुष तेणु भागवत आ गोटे पाद आग को आगे जाए पुरुषोत्तमोत्तम आए कहे प्रभु आपण होती नारी प्रभु कहले मुमी नारी हेली ना नारी पर आपण नाकचणा नाकुआसी झुंपा ये सब पिंधुं अलंकार नारी टीए जमी फाल्टा मारिक वस्त्र लुगा टीए पिंधि थाए सेमती आप फाल्टा मारिक लुगा पिंधुं प्रभु को जी जो रूप से प्रभु को चिंता करूप प्रभु को प्राप्त होती तेणु सी हूँ जीवर सर्वस्व जीवर सर्वस्व होती जगन्नाथ प्रभु को किए आसिक कहे प्रभु तुम्हें श्रीकृष्ण ना श्रीराम नकाष्ठे विद्यते देव पाषाणे न च मृन्मये भावे ही विद्यते देव भावग्राही जनार्दन भक्तर भावपाई प्रभु साकार रूप आत्म उपलब्धि पाई तुम्हें निराकार साधकर आत्मकल्याण निमंते तुम बहु रूपर संभार साधकानं हितार्थाय ब्राह्मण रूपकल्पना तेणु कृष्ण प्रेमी मानंग पाई तुम्हें हूँ कृष्ण हे जगन्नाथ बलभद्र तुम अग्रज राम बलराम एवं सुभद्रा तुम भगिनी राम भक्तों पर तुम्हें हूँ राम बलराम को शेषावतार लक्ष्मण एवं सुभद्रा को सीता भाव तुम्हें प्रकाशित करिछ हे महाप्रभु तेणु दाक्षिणात्यर गणपति भट्ट से सिद्धिदाता गणेशंकर भक्त से निजर इष्ट गणपति बिना अन्य क्या दर्शन करना से जितेबले प्रभु पाख को आसी श्रीक्षेत्र पूरी आसी आपण तंकु को रूप से गणनाथ गणनायक तनुधरी गणेशंकर रूप से प्रभु आप दर्शन दे स्नान पूर्णिमा हाथी वेश बोली आम कही था तेणु जगन्नाथ महाप्रभु को जसईवा समुपाशते शिवईति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौधा बुद्ध इति प्रमाण पटव करते नैयायिका अहर नित्यथ जैन शासन रता करमेति मीमांसका सोहं वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि प्रभु को जे जो रूप से जहां शैवगण शिव रूप से पूजा करते वेदांति ब्रह्म भाव रे आराधना करते बौद्ध बुद्ध भाव रे न्यायकार कर्ता बोली जैन अरहन भाव रे मीमांसक कर्म रूप से उपासना करती प्रभु आपण होती से त्रैलोक्यनाथ हरि समस्त वांछित फल प्रदान करमरी सेवा केवल लोकशिक्षापाई तुमरी लीला केवल मनुष्य को भगवत पथरे भक्ति पथरे आगे नेवाई
तेणु महाप्रभु को जी जो भाव देखे प्रभु कहना जार जमंत भाव देखी नाव मुदी सड़खी तेणु जादृशी भावना जस्या सिद्धिरे भवति तादृशी तेणु श्रद्धा एवं विश्वास उपरे सिद्धि निर्भर करे जे जो रूप से जो नाम तुमको डाकिछि हे चकानयन तुम्हें ताकु सही भाव रे सही रूप से देखा देच इतिपि आमर लोकोक्ति मध्य अछि भाव कु निकट अभावे अभेट भक्त भावे तुम्हें बस भाव को निकट तेणु तुम्हें होती आपण होती प्रभु राम आपण होती कृष्ण आपण होती सर्वदेवमय आपण होती वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म स ब्रह्म स शिव स हरि स इंद्र स अक्षर परमस्वराट तेणु प्रभु आपण सर्वनाम रूप से सर्वदेवमय आपण को उपलब्धि कले सबकि जाणी हुए प्रभु को ये उपलब्धि कर दिए से सबकि जापार आपण को भक्ति करवा हूँ भक्तिर व्यभिचारिणी अनन्य एकांत अव्यभिचारिणी भक्ति अंतर तुम प्रति भक्ति अर्घ्य जो बड़े भक्त अर्पण करथाय आपण भावर सहित से भावर जी अर्पण करथाय भक्ति अर्घ्य आपण ताकु ग्रहण करथाम स्वीकार करिछंति प्रभु सुंदर भाव दर्शन संध्या समय दर्शन संध्या दर्शन भक्त कृतकृत्य हो जाउछंति तेणु महाप्रभु चंदी राम महाप्रभु चंदी कृष्ण महाप्रभु चंदी सर्वदेवमय तेणु देखिए देव दीपावली अमावास्या दिन दीपावली अमावास्यार पर अमावास्या तुम्हें बैश पाच उपरे प्रभु आपण श्राद्ध दे था महाप्रभु दशरथ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा नंद वसुदेव यशोदा देवकी इंद्रदुम्न गुंडीचा दीपदान कर महाप्रभु पिंडदान कर तेणु महाप्रभु होती सब तेणु जी आसे सी प्रभु को देखिकी कहे महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भक्तर भाव बंधा भक्तर हृदय नाथ भक्तर प्राण होती महाप्रभु भक्तर सर्वस्व होती महाप्रभु भक्ति देवा गुप्त होई छंती युक्ता क्षरे वैष्णव विहुने केहू जानीब संसारे वैष्णव बिना भक्त बिना ये तत्व को आउ किए बुझिपार से कम्बु कटक राजा नाम जगन्नाथ चारि वर्णे चौवर्ग देवाकू समर्थ भरोसा करिया संति दुरुदेशु जन प्राणी आरत भंजन दिन बंधु नाम शुणी प्रभुंकर नाम होचे आरत भंजन विपद भंजन तेणु आरत भंजन तो बाना आतंग काले वज्र सेना प्रभुंकर बाना विपद भंजन बाना प्रभुंकर नाम विपद भंजन से परम दयालु प्रभुंकर जी दास हो जाए जे प्रभु को उपासना करती आराधना करती सी मध्य आलती दर्शन करती सकल ग्रह पीड़ार मुक्ति हूँ कारण भगवान सूर्य होती प्रभुंकर तेज चंद्रमा को भगवान शंकर मस्तक धारण कर मंगल तंकर पुत्र माने तंकर अंश अवतार एवं राहु एवं केतु शनि सहित सब बेले था भगवान शिव भगवान विष्णु ये शिवगण अटंती से मान तेणु भगवान जगन्नाथ क्षेत्र को आसी महाप्रभु जी आरती दर्शन करती आराधना करती पूजा अर्चना करती नवग्रह महादशारु से शांति हो जाती पीड़ार मुक्ति लाभ करी था प्रभुंकर जी आराधना दर्शन आरती दर्शन करी था
तेणु ग्रहरूपी जनार्दन महाप्रभु को दर्शन करी आज ये सांध्य अधिवेशन को अकिंचन बाणी को विराम देव समय आसी उपस्थित आज्ञा तेणु ये आसतु जय जगन्नाथ टीर कार्यसूची संपर्क आम श्रवण करवा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।